हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आज की वीडियो में बात करेंगे मोनेट थीमिंग के रिलेटेड। यानी कि अगर आपने एंड्रॉयड 12 का वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग यूज़ किया है तो आप यहां पर ये जो चीज़ है या फिर ये वाला जो बिगेस्ट फीचर फ्रॉम एंड्रॉयड 12 मिस कर रहे हो ना MIUI के अंदर, तो डेफिनेटली अभी जो है एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है जिसके रिगार्डिंग आपको मैं सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है MIUI की मोनेट थीमिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑफिशियली Xiaomi ने तो यहाँ पर रिलीज़ नहीं की जब MIUI 13 था, यानी कि उसका जो अडेप्टेशन है एंड्रॉयड 12 से नहीं लिया गया था MIUI के अंदर बेसिकली। तो यहां पर जो है बेसिक से फीचर हमें मिले थे एंड्रॉयड 12 के, बट इस बार आपको जो है एक अच्छा सा रीडिजाइंड UI देखने को मिलेगा। वैसे रीडिजाइंड नहीं बोल सकते, बट जो भी सिस्टम एप्स वगैरह ना, कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो कि आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी, उनके अंदर आप जो है मोनेट थीमिंग को अभी एंजॉय कर सकते हो। एंड डेफिनेटली ये वाला जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है इस चीज के बाद में। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सभी चीजें बताता हूं कि आपको क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए अपने फोन के अंदर मोनेट थीमिंग यूज करने के लिए, और उसके बाद में डाउनलोड लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे एंड आपको जो है यहां पर क्या जो है स्टेप्स फॉलो करने होंगे इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। बट उससे पहले प्लीज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर से करना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना। जो इंस्टॉलेशन है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर आपका फोन है वो रूटेड होना चाहिए। अब ये वाला जो एक मैजिस्क मॉड्यूल है फ्रॉम MIUI मोनेट प्रोजेक्ट टीम से, और वहां से ना आपको ये वाला जो है मॉड्यूल बेसिकली देखने को मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा। बट उससे पहले अगर आप यहां पर जो है रूटेड नहीं हो तो रूट कर लेना फोन को, और जो मैजिस का वर्जन है वो लेटेस्ट यूज करना, मैं वही आपको रिकमेंड करूंगा। और मैंने इस चीज को यहां पर ट्राई किया है Mi 11X के अंदर इलाइट रोम के स्टेबल वर्जन के ऊपर, जो कि चाइना के स्टेबल वर्जन के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पर ये जो चीज है काफी अच्छे से वर्क कर रही है। अब ये जो चीज है ना, ये आपकी वर्क करने वाली है चाइना डेवलपर रोम के अंदर, ग्लोबल स्टेबल रोम के अंदर और चाइना बीटा रोम के अंदर। तो ये सब चीजें आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप इन रोम्स के ऊपर हो तो आप डेफिनेटली इस मॉड्यूल को ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज जो पोर्ट रोम होते हैं ना MIUI बेस्ड, वो आई थिंक यहां पर सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर कोई इशू आता है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर से बताना आप कौन सी रोम ट्राई कर रहे हो और कौन सा वर्जन वगैरह, सब कुछ मेंशन कर देना। और उसके बाद में एक आपको रिक्वायरमेंट और चाहिए, वो है इसका जो सिस्टम UI प्लगइन है ना आपकी रोम के अंदर, उसका वर्जन 13.0.2 समथिंग होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, तभी ये जो है लेटेस्ट अपडेट जो आया इसका वो यहां पर सपोर्ट करेगा। अदरवाइज आपको यहां पर जो है दिक्कत आ सकती है। सो ये सब चीजें हैं रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग, बाकी आप जो है इनको रीड कर सकते हो। यहां पर डाउनलोड लिंक्स देता हूं, तो वहां पर जाके आप सभी जो है रिक्वायरमेंट्स को रीड कर सकते हो और डाउनलोड लिंक्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैजिस के मैंने रूट कर रखा है 25.1, जो कि लेटेस्ट है। अब ये वाला जो मॉड्यूल है ये आपको यहां पर इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज के अंदर आ जाना, ये वाला मिलता है आपको MIUI मोनेट वर्जन 1.1.0.zip, इसको यहां पर कुछ इस तरीके से फ्लैश करना है। और यहां पे ना सिंपली आपको जो है दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप सेटिंग के अंदर डिफॉल्ट आइकॉन देखना चाहते हो तो 1 प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप यहां पर इसका जो है थीम्ड आइकॉन वर्जन यूज करना चाहते हो तो 2 प्रेस करके वॉल्यूम अप से एंड वॉल्यूम डाउन से इसको जो है सिलेक्ट कर सकते हो। दैट्स इट, यही आपको जो है स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद रिबूट कर लेना। अब इनको अप्लाई करने के बाद में जो सिस्टम है वो कैसा फील होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। सबसे पहले सेटिंग के अंदर मैंने थीम्ड आइकॉन को इनेबल कर रखा है, तो यहां पर जो डिजाइन है ना वो आप चेक कर सकते हो। अब ये वॉलपेपर के अकॉर्डिंग है, इसका जो वॉलपेपर है ना मैंने लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो है आइकॉन्स आप देख सकते हो, काफी ज्यादा अमेजिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर जो आइकॉन्स है वो आपको टिपिकल वही देखने को मिलेंगे, बट कुछ आइकॉन्स अपडेट हो चुके हैं। सो यहां पर जो है आइकॉन्स आप देख सकते हो, और जो पूरा यहां पर बैकग्राउंड है इसके अंदर भी कुछ जो है ब्लूइश टाइप टोन आ रही है, यानी कि वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग है ना वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। और अगर आप अभी कंट्रोल सेंटर के अंदर देखोगे यहां पर भी सेम थीम मिलेगा, यानी कि जो है कलर आपको मिलेगा, और इवन जो डायलर है इसके अंदर भी सेम टोन आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो। उसके बाद जो आपका यहां पर जो मैसेजिंग ऐप है इसके अंदर भी आपको ये सेम चीज देखने को मिल जाती है। और अगर आप यहां पर जो है कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो जब आप PC के साथ में अपने फोन को कनेक्ट करते हो, जो डायलॉग बॉक्स आएगा ना उसके अंदर भी आपको सेम वाइब देखने को मिलेगी। एंड रेस्ट यहां पर जो गूगल ऐप्स है उनके अंदर तो ऑलरेडी ये जो चीज प्रेजेंट है, बट Xiaomi ऐप्स के अंदर अभी जो है मेन फीचर्स आ चुके हैं, बट आई थिंक ये जो डायलर यहां पर जो सिक्योरिटी ऐप है ना इसके अंदर आपको ये चीज नहीं मिलेगी। सो इसका ध्यान रखना, कुछ ऐप्स के अंदर अभी जो है ये सपोर्ट आ चुका है, और आई थिंक आने वाले कुछ अपडेट्स के अंदर बाकी और ऐप्स के लिए भी ये चीज अवेलेबल हो जाएगी। नाउ कुछ
बग्स की बात करेंगे। अब बग्स तो नहीं, वैसे जो है अभी वो चीज़ें फिक्स होनी ज़रूरी हैं, बट यहाँ पर मैं वॉलपेपर चेंज करता हूँ एंड आपको कुछ वॉलपेपर्स मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आप चेक कर सकते हो। सो मैं इसको अप्लाई करता हूँ एंड इंस्टेंटली जो भी चीज़ यहाँ पर चेंज हो जाएगी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप कंट्रोल सेंटर देखोगे इसके अंदर आपको ये चेंज नहीं मिलेगा। अगर आप इसको यहाँ पर जो है यूज़ करना चाहते हो, यानी कि इसके अंदर भी सेम एक्सेंट अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना होगा। ये एक बग आपको मिलेगा इस अपडेट का। सो फिलहाल ये चीज़ आपको जो है बगी देखने को मिलती है। अगर आप कंट्रोल सेंटर का जो एक्सेंट है वो चेंज करना चाहते हो, डिवाइस जस्ट एक बार रीस्टार्ट करना या फिर सिस्टम यूआई को रीस्टार्ट कर लेना, देन ये चीज़ वर्क करेगी। और सिस्टम के अंदर जो सेटिंग है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छे से अपडेट हो चुकी है। सो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। इवन जो डायलर है इसके अंदर भी चीज़ अपडेट हो चुकी है साथ के साथ, एंड मैसेजिंग के अंदर भी सेम चीज़ आपकी यहाँ पर जो है अपडेट हो चुकी है। तो ये ओवरऑल एक जो है मोनेट थीमिंग को एंजॉय करने के लिए नया मॉड्यूल है इस MIUI मोनेट प्रोजेक्ट की ओर से। सो आप जो है डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो अपने Xiaomi फोन के अंदर, और ये क्या आपके फोन के अंदर वर्क कर रहा है या फिर नहीं वो आप कमेंट्स में बताना। एंड कस्टम रोम के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ MIUI बेस्ड रोम होनी चाहिए। और वर्जन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कौन से के ऊपर वर्किंग है, टेस्टेड है बेसिकली, और आप अपना वर्जन जरूर से कमेंट्स में बताना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक जरूर से करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।